स्टोरी सुनाऊंगा, उसका नाम होगा द गोल्डन बर्ड। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक किंग रहता था, उसका एक किंग रहता था जो उसके पास गोल्डन बर्ड था, गोल्डन पिंजरे में। और हर दिन एक नौकर आता था और उसको ग्रूम पूरा फाइन करता था, और हर दिन उसके लिए गोल्डन बर्ड किंग के लिए सॉन्ग गाते थे, हर दिन सॉन्ग गाते। तो ऐसे सॉन्ग गाते गाते एक दिन किंग को एक थॉट आया गोल्डन बर्ड के लिए। उन्हें सोचा बेचारे गोल्डन बर्ड को एक पिंजरे में रखा वो, तो उन्हें अपने मैन को बोला जाके इसको फ्री कर दो, आज़ाद कर दो। तो उन्हें बोला ठीक है। फिर उन्हें अपने केज को लिया, पूरे जंगलों के घने जंगल के अंदर गया और केज को नीचे रखा और चले गया, और गोल्डन बर्ड उछल के बाहर आए। उन्हें अपने आसपास देखी, पूरा डार्क था और उन्हें बहुत भूख लगी थी उसको। और थोड़ी देर बाद उसको एक मंकी दिखा, फिर हेलो देर बोला, हाय बोला उसको। तो गोल्डन बर्ड बोले मेरा नाम है गोल्डन बर्ड, ऐसा बोली। तो फिर मंकी भी बोलता कि आपको आपको खाने के लिए अच्छी प्लेस चाहिए क्या, अच्छी प्लेस चाहिए क्या, मंकी पूछता। तो गोल्डन बर्ड बोलती क्या क्या एक मंकी क्या टीच कर सकता मेरे को, पूछती। तो फिर मंकी बोलता एंड बर्ड बोलती आपके पास तो बहुत गंदा फेस है, आपको मालूम मेरी बीक कितनी ब्यूटीफुल है, उन्हें बात में ऐड करती। और मंकी बोलता कि ठीक है आपको जो पसंद है वो करो, मैं तो जाकर बोल के चले गया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसको एक ग्रास में आवाज आने लगी, एक वॉइस आई। सडनली उन्हें स्नेक को देख ली, फिर बोलता हेलो, बोलता स्नेक हु आर यू, पूछता उन्हें। तो गोल्डन बर्ड रिप्लाई में बोलती माई नेम माई आई एम द गोल्डन बर्ड बोल के बोलती उन्हें। तो फिर स्नेक बोलता मैं आओ मैं आपको जंगल बताऊंगा। तो बर्ड बोलती नहीं मेरे को जंगल नहीं देखना बोलती। तो फिर क्या होता, स्नेक आपको जो पसंद है वो करो, वो भी चले गए। फिर थोड़ी देर बाद उसको ऊपर आवाज आने लगी ट्री में, कोई चलने की आवाज आई थी ट्री में, और वो ऊपर देखी और एक चमेलियन को देखी। उन्हें जैसा ट्री का कलर था वैसे उन्हें उसका कलर भी वैसे था, तो उन्हें उससे उससे अच्छा बिहेव नहीं करी, गंदा बिहेव करी बहुत ज्यादा। तो फिर वहां से उसको छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ, अचानक एक बड़ी सी ईगल कुछ जंगल के पास से जा रही थी, मंकी ट्री के अंदर चले गया, बिग ट्री के अंदर, स्नेक जमीन के अंदर चले गया, और गोल्डन बर्ड और चमेलियन वहां पे झुक गया, कोई भी नहीं देख सकते थे उसको। तो गोल्डन बर्ड को जड़ भी उड़ना था, तो उन्हें अपने विंग्स को खिलाए, पर वो वीक थे पूरे, उन्हें कभी भी नहीं यूज करी थी अपने किंग के पैलेस में। अब उसको जल्दी फ्लाई करना था, फिर उन्हें हेल्प के लिए मांगी। तो फिर मंकी उसको हेल्प करता, और स्नेक हेल्प करता, और फिर उसको पुश कर देता, एक बड़े येलो फ्लावर में पुश कर देता। फिर ईगल ऐसा चले जाती। फिर गोल्डन बर्ड क्या मैं आपसे थैंक यू बोलती हूँ सबको, एनिमल्स को। फिर एनिमल्स बोलते कि आप हमारे लिए गाना गा सकते हैं बोलते। फिर वो लोग की अच्छी फ्रेंडशिप बन गई और उन्हें हर दिन एनिमल्स को सॉन्ग सुनाते रही। आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट ऑल्सो कर दीजिए। और ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की क्वालिटीज़ लाइक करना चाहिए और हमारी गुड क्वालिटीज़ भी लाइक करना चाहिए, और हमें दूसरे को हेल्प करना चाहिए जब वो मुसीबत में हो। बाय बाय गाइज़।